कोरोना पर WHO की नई चेतावनी, गलती मत करना, लंबे समय तक साथ रहेगा वायरस। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच WHO ने नई चेतावनी जारी की है। WHO ने चेताया है कि कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे वक्त तक रहने वाला है। इससे पहले WHO ने आगाह किया था कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के भयंकर रूप देखने को मिलेंगे, लेकिन WHO ने ये चेतावनी कोरोना वायरस के लगातार बदलते ट्रेंड को लेकर की है। WHO के महानिदेशक ट्रेडोस ए गेब्रेयेसस ने वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कई देशों में महामारी अभी शुरुआती चरण में है और जहाँ से महामारी की शुरुआत हुई थी वहाँ दोबारा मामले दिखने लगे हैं। हमें बहुत आगे जाना है और ये सुनिश्चित करें कि कोई गलती ना हो। ये वायरस हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। WHO ने साफ साफ सभी देशों को ये चेतावनी दी कि जरा सी एक चूक या जल्दबाजी या लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस ने वापस उस जगह भी सिर उठाना शुरू कर दिया है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी और फिर उसके खात्मे का दावा भी किया गया था। WHO का इशारा साफ तौर पर चीन के वुहान को लेकर था। वुहान में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के बाद लॉकडाउन हटा दिया गया था, लेकिन वुहान में फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामले अलग रूप में आ रहे हैं। कई ऐसे मरीजों में फिर से कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई जो कि 2 महीने पहले कोरोना से ठीक हो चुके थे। ऐसे में कोरोना के मामले अब दुनिया में ट्रेंड बदलते दिख रहे हैं। लोगों में इसके लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं जो कि संक्रमण फैलने में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। WHO ने ही इससे पहले चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस से दुनिया में इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। WHO के निर्देशक ट्रेडोस ने कोरोना वायरस के संक्रमण की तुलना 1918 के स्पेनिश फ्लू से की थी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ट्रेडोस ने लॉकडाउन हटाने को लेकर दुनिया के देशों को एहतियात बरतने को कहा है। दरअसल दुनिया के कई देश लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं या फिर हटा रहे हैं। इस पर WHO ने चेताया था कि ये जल्दबाजी कहीं गंभीर नतीजे भुगतने की वजह न बन जाए। WHO ने दुनिया के तमाम देशों से लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी न करने की अपील की थी। उनका कहना था कि सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाना होगा, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अभी सतर्क रहने की जरूरत है। यूरोप के कई देश लॉकडाउन धीरे धीरे हटाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कोरोना से जहां हजारों लोगों की मौत हर देश में हुई थी, तो साथ ही लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, हितैषी। Watch Daily Hitachi, Voice of Nation.